चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज विधानसभा के चुनाव की भी घोषणा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आपको बताएं, कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुका है और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये जानकारी दी है कि दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अब से कुछ ही घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है तैयारी। इसकी जानकारी खुद चुनाव आयुक्त ने दी है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दे दी है। अब से 1 से 2 घंटे के बीच 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कुछ विधानसभा में भी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तारीखों का भी ऐलान होगा। तो 2.5 घंटे बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो आज जो तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अप्रैल मई में होंगे चुनाव, इंडिया वर्सेस एनडीए की इस बार लड़ाई देखने को मिलने वाली है। पीएम मोदी के तूफानी दौरे होंगे, राहुल की न्याय यात्रा भी है इस बार देखा गया है। राहुल गांधी ने लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियां आगे भी देखने को मिलेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा और जो इस बार का चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। पीएम मोदी का तूफानी दौरा लगातार जारी है, आगे भी ऐसे जारी रहने वाला है और वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार चल रही है। तो ऐसे में किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट देती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। अप्रैल मई में ये चुनाव होंगे, ये जानकारी है। 7 से 8 चरणों में हो सकता है चुनाव।